एक एकेडमिशियन, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, इंजीनियर के सामने जाति कैसे बाधा बनकर आई, जिसमें सारे अपर कास्ट के लोग बैठे हों और वो ये बात करें कि हम इस बीमारी को ऐसे ठीक करेंगे, और वो ये बात कहते हैं कि जाति तोड़ने से, हमारे चाहने से जाति टूटी नहीं, तो अब मैं इन सारी जातियों के लोगों को जोड़ूंगा। यानी इस देश में कभी ये कबूल ही नहीं किया गया वर्चस्वशाली ताकतों के द्वारा कि जाति एक बीमारी है। उसके पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी अपनी जाति नहीं बताई, उसके बाद जाति बताई, राष्ट्रपति की जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई, हनुमान जी तक की जाति बताई गई, और ये उन लोगों द्वारा किया गया जो योगी बनने के बाद कहते हैं कि हमारी तो जाति नहीं होती है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है कि 1% लोगों के पास इस समय इस देश का 40% संपत्ति का कब्जा है। हम जानना चाहते हैं कि वो 1% लोग कौन है। अगर कोई भी व्यक्ति जो संविधान को मानता है, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक न्याय को मानता है, उसे जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए। और शुक्रिया कि इस साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन में हमने एक बहुत ज़रूरी विषय को एक सत्र दिया है। साहित्य की दुनिया में जाति क्या है या समाज में जाति क्या है, असल में हम लोग एक ऐसे डॉक्टर के सामने बैठे हैं जिसके सामने मरीज ये कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जाति एक बीमारी के मानिंद आइडिया ऑफ इंडिया के सामने एक चैलेंज है। इस बात को ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क अभी तक कबूल नहीं कर सका है। और जो बात रतनलाल जी ने कही, मैं उसको उसमें जोड़ता हूँ एक बात कि जाति पर बात करने की जिम्मेदारी इस देश के SC ST OBC या पसमांदा मात्र की ही नहीं है। ये अच्छी बात है कि इस आयोजन में एक सत्र इस पर रखा गया है। तो इस मंच से जो बात कही जाएगी वो ये कही जाएगी कि जाति इस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया के सामने चैलेंज है। एक एकेडमिशियन, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, इंजीनियर के सामने जाति कैसे बाधा बनकर आई, समाज के सामने कैसे जाति बाधा बन के आई और इसने क्या नुकसान किया है, इस पैनल से ये बात देश के सामने जाएगी। और इसी के समानांतर एक दूसरा पैनल होना चाहिए जिसमें सारे अपर कास्ट के लोग बैठे हों और वो ये बात करें कि हम इस बीमारी को ऐसे ठीक करेंगे। और क्योंकि जब तक, जैसे हम महिलाओं के सवाल को मैं अक्सर जाति के सवाल से जोड़ कर देखना पसंद करता हूं, अगर इस देश को, इस समाज को जेंडर न्यूट्रल बनाना है तो इसकी सीख, इसकी बात महिलाएं करें ये जरूरी है। उससे ज्यादा पुरुषों के बीच ये बात की जानी चाहिए कि आप थोड़ा अपने भीतर सुधार करिए, शुरुआत तो थोड़े से ही करें। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जाति एक ऐसी चीज है कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जो जाति बनाई किसने। हमारे यहाँ तो डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदे एक किताब लिखी, और मैं जब आइडिया ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इस पूरे सवाल को देखता हूँ तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को ये बात कही कि भारत एक राष्ट्र है नहीं, इसे राष्ट्र बनना है, ये एक बनता हुआ राष्ट्र है और उसके सामने कुछ चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से हम लड़ेंगे, उसकी दिशा क्या होगी, उसके लिए उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया कि भारत का संविधान है। अब इसकी जिम्मेदारी तो इस राष्ट्र के चलाने वाले लोगों पर थी। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करेंगे, जाति का विनाश, और उसका बाकायदे खाका रखा गया। और उस समय आर्य समाज के लोग जो एक जात पात तोड़क मंडल चलाते थे वो भाषण भी नहीं दे सके क्योंकि वो बहुत कड़ी बात थी। मनोहर कांशी राम आते हैं आजाद भारत में उत्तर पक्ष में, और वो ये बात कहते हैं कि जाति तोड़ने से, हमारे चाहने से जाति टूटी नहीं, तो अब मैं इन सारी जातियों के लोगों को जोड़ूंगा और इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई में इस जाति का इस्तेमाल करूंगा। हालांकि बाद में उन्होंने नारा भी दिया था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। इसका मतलब ये है कि हमारे तोड़ने से जाति टूटी नहीं, लेकिन इस पूरे विमर्श ने आइडिया ऑफ इंडिया को मुकम्मल किया है।
अगर आप आइडिया ऑफ इंडिया या किसी भी तरह का, हमारे यहाँ हिंदी में सर हिंदी नवजागरण पढ़ाया जाता है और उसमें एक आध चैप्टर थोड़ा सा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का है, मतलब आइडिया ऑफ इंडिया में आप देखेंगे कि वो जो पूरी एक वैचारिक परंपरा है वो सिलेबस में नहीं है, वो हमारे विमर्शों से गायब रही 1980 के बाद। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है कि जब स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श आया है। इसका मतलब यह है कि अभी इस आइडिया ऑफ इंडिया में बहुत सारा काम होना बाकी है। अब ये काम होगा कैसे? अब ये काम अगर जाति की, जैसे बीमार व्यक्ति है और वो ये कहे कि, पहले तो ये कबूल तो करे कि वो बीमार है, फिर उसका दूसरा स्टेप होगा कि वो बीमारी क्या है इसकी पड़ताल हो, और तीसरे स्टेप पर है इलाज। हमारे यहां हुआ ये कि जाति जनगणना का सवाल चुके है आपका, तो जाति गिनने से जातिवाद बढ़ जाएगा। इतना मासूम तर्क 1951 मात्र का नहीं है, 2023 का भी है, 1911 का भी है, और अली अनवर साहब बैठे हुए हैं और ये उस इतिहास को अगले सवाल में फिर एड्रेस करेंगे कि 1931 की जनगणना के समय कैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी कि आप जाति बताइए। यानी इस देश में कभी ये कबूल ही नहीं किया गया वर्चस्वशाली ताकतों के द्वारा कि जाति एक बीमारी है, और वो ऐसी बीमारी थी जिसे जिसे इंजॉय सब कर रहे हैं, जिसके पास इसकी क्षमता और अवसर था, बाकी लोग उसके शिकार हो रहे थे। तो 1931 की जनगणना के समय वो आखिरी वक्त था, और 51 में ये कहा गया कि हम जातियां गिनेंगे नहीं तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातियां खत्म हो जाएंगी, और फिर जाति जनगणना खत्म हो गई। मैं सोचता हूं कि उस समय ये सवाल क्यों नहीं आया कि सांप्रदायिकता भी एक चुनौती है, हमें धर्म नहीं गिनना चाहिए, लेकिन धर्म गिना जाता रहा। उस समय यह सवाल क्यों नहीं आया कि भाषा के नाम पर राष्ट्र राज्य के झगड़े हो रहे हैं और भाषा गिनी जा रही थी, केवल जाति क्यों गिनना बंद हो गया? और इसका तर्क बिल्कुल आज भी बहु वही कहे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जातियां अगर गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, जातियां नहीं गिने तो कौन सा जातिवाद कम हो गया, अनगिनत किससे? और मैं इस आयोजन और आयोजकों को इसलिए भी बधाई दे रहा हूं क्योंकि इस देश के बड़े विमर्श में जाति कब आती है? जब जाति के नाम पर दमन या अत्याचार होता है। रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती है, उसके बाद इस देश में बहस होती है कि अकेडमिया कैसे कास्टिस्ट है। अगर एट्रोसिटी हुई तो हाथरस के केस के बाद बहस हुई, आज वो बहस कहां है? मतलब यह कि दमन का विमर्श तो है, हिस्सेदारी वाला विमर्श कहां गया कि जितने लोग हैं उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, इस विमर्श तक जाति को क्यों नहीं लेके आया गया? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं तो मैंने एक RTI लगाई और 2019 तक इस देश में, और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब इस देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार खुद को OBC बताता है, और उस समय 2013 में उसके पहले मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी अपनी जाति नहीं बताई, उसके बाद जाति बताई, राष्ट्रपति की जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई गई, हनुमान जी तक की जाति बताई गई, और ये उन लोगों द्वारा किया गया जो योगी बनने के बाद कहते हैं कि हमारी तो जाति नहीं होती है। तो ये काम हुआ उस समय, और 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है, और आज के डेट में 97% प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है, और अब नई शिक्षा नीति ने पूरी शिक्षा को बेच दिया है। जैसे आप हिस्सेदारी मांगने आएंगे वो सवाल खत्म कर दिया जाएगा। जाति जनगणना का सवाल इस राष्ट्र के निर्माण का सवाल है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि किसकी हिस्सेदारी नहीं मिली, तब तक आप कास्ट सेंसस की बात क्यों नहीं करेंगे? और जाति जनगणना का अर्थ केवल यह है कि आप सब कुछ गिनते हैं, कितने लोग शिक्षित हुए, कितने लोग शिक्षित नहीं हुए, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, किन जातियों के पास नहीं है। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है कि 1% लोगों के पास इस समय इस देश का 40% संपत्ति का कब्जा है। हम जानना चाहते हैं कि वो 1% लोग कौन है, और इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 50% लोग 3% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं, और अगर उसको एक्सटेंड कर दीजिए तो 90% लोग 5-10% जो वेल्थ है उस पर गुजारा कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो 90% लोग किस तबके के हैं, कहीं वही तो नहीं है जो हजारों साल से धन संपत्ति और हिस्सेदारी से वंचित थे? और अगर वो 90% लोग उससे वंचित हैं तो फिर आप कितने भी हर हाथ तिरंगा और हर हाथ झंडा कर लीजिए, हर घर तिरंगा कर लीजिए,
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में लाखों करोड़ रुपए खर्च करिए, आप असल में एक पूरा मुल्क ही नहीं बन पाए। और अगर आपको एक मुकम्मल मुल्क बनना है तो आपको अपनी बीमारी को चिन्हित करना होगा, उसे पहचानना होगा, और तब जाकर के। और आखिरी बात यह है, आप फेलोशिप देते हैं तो आप जातियां पूछते हैं, आप सरकारी ऑफिस में हैं तो जाति पूछते हैं, आपका सर्टिफिकेट बनती है। ये अलग बात है, अब सर्टिफिकेट गलत भी हो जाती है। आजकल तो कुछ राज्यपाल बने हुए लोग कहते हैं कि गांधी जी के पास तो डिग्री ही नहीं थी बैरिस्टर की, अब ये प्रधानमंत्री की डिग्री आज तक वैलिड नहीं है संदर्भों से काट के। मेरा कहना ये है कि मैं गांधी को क्यों इस मंच पर याद कर रहा हूं, अंबेडकर को हम बार बार याद करते हैं। गांधी और अंबेडकर का जो संवाद हुआ है, उस संवाद में गांधी कई भरोसा दिलाते हैं अंबेडकर को कि हम ठीक करेंगे इस देश में, इस देश के जो सामाजिक ढांचा है उसको ठीक करेंगे, और सवर्णों को इसकी जिम्मेदारी देंगे कि सवर्ण अपने भीतर सुधार करें। और 1940 के बाद नवजीवन में गांधी बाकायदे लिखते हैं कि जो जिम्मेदारी सवर्णों को निभानी थी वो उन्होंने नहीं निभाई, और बार बार वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जगह अगर मैं होता। कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े नाराज होते हैं आपसे, तो उन्होंने कहा कि उनकी जगह मैं होता तो इनसे कई गुना ज्यादा नाराज होता। तो गांधी तो संवाद करते थे। हालांकि मैं इस मंच से ये भी कह दूं कि गांधी के मरने पर अंबेडकर इस तरह से अमानवीय ढंग से नाराज भी नहीं हुए थे। अंबेडकर नाराज और अफसोस था उन्हें, और उन्होंने जो पूरा संदर्भ लिखा है उसमें बाकायदे इस बात का अफसोस किया है। वो गांधी से बहुत असहमत होते थे, वो कहते थे कि मतलब हमने बहुत करीब से इन्हें देखा है, लेकिन कभी वो वाला माहौल नहीं था, गोली मारने वाले लोगों के साथ कभी अंबेडकर खड़े नहीं हुए। और इसलिए मैं इस बहस को आज के लिए इसलिए कह रहा हूं, 2023 का कोई भी भारत हम ऐसा कतई नहीं बना सकते जिसमें हम ये चिन्हित न कर लें कि इस देश के जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, निजी संस्थान हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो कहती है कि प्राइवेट सेक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर आपने एक रुपये सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसा, सुविधा लिया है तो आप प्राइवेट नहीं हैं, और वहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और रिजर्वेशन का नाम आते ही लोगों को अफसोस होता है, और जब से EWS रिजर्वेशन आया तब से अफसोस नहीं होता। कहना मेरा ये है कि यह जाति जनगणना का सवाल, राष्ट्र निर्माण का सवाल है, यह किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी मात्र का सवाल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो संविधान को मानता है, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक न्याय को मानता है, उसे जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए, और जाति जनगणना का समर्थन हो, आरक्षण पर खुली बहस हो, तभी मुझे लगता है कि हम एक मुकम्मल मुल्क बना पाएंगे। शुक्रिया।